वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो एग्जामिनेशंस कल कंडक्ट हुआ था, यानी 3 मार्च 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके के प्रश्न पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने एग्जामिनेशंस के बाद मुझे क्वेश्चन शेयर किया था, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू भारत के किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, शब्द लेग बिफोर विकेट किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डॉपलर प्रभाव संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है? तो ये जीवन के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी रुधिर कणिका रुधिर के थक्के में मदद करती है? तो बिम्बाणु मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो मालिक कपूर प्रसिद्ध दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो है प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH है? तो अल्कोहल यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ICAR यानी भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुधियाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 2011 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना किस शहर में स्थापित किया था? तो मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा सरकार की चिराग योजना किससे संबंधित है? तो गरीब बच्चों के शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु किन दोनों की आवश्यकता होती है? तो लौह तत्व और फॉलिक अम्ल दोनों की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शंस में करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम का विमोचन किसने किया है 2023 में? तो ये संजीव सन्याल ने किया है। ये सुमिलित करने वाला क्वेश्चन था। तो देखिए, रानी रामपाल का हो जाएगा, ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, ऑनी लेखरा ये राइफल शूटिंग से संबंधित है। संदीप नरवाल कबड्डी से संबंधित है और प्रज्ञा नंदा जो है शतरंज से संबंधित हैं। तो ये करेक्ट इस तरह मिलान हो जाएगा। तो ये मुझे 16 रियल क्वेश्चंस मिला है एसएससी सीजीएल टायर 2 3 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मैं इसके जस्ट बाद आपको 2 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस भी करा दूंगा, ठीक है? तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सभी शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।